राम नववर्ष मतलब गुड़ी पड़वा की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये गुड़ी पड़वा मतलब गुड़ जैसा मीठा आपका साल आपकी शुरुआत रहे। आप मीठे मीठे रहो, आपके मुख से मीठे वचन निकले, आपके मुख से निकलने वाला वचन हर किसी के दिल को आराम दे। और इसीलिए आज महाराष्ट्र के घर घर में पूरणपोली मीठा बनता है और सभी घर में बनता है और इसको ही नववर्ष मनाते हैं। ये गुड़ी पड़वा इसमें ऊपर घर के ऊपर नीम का दाल लगाते हैं, एक साड़ी लगाते हैं, लोटा लगाते हैं, उसको पूजन करते हैं और बड़े भाव से सब सकारात्मक पूजा करके घर को परमात्मा से कहते हैं कि नवीन वर्ष हमारे घर में कोई दुख कोई कष्ट कोई क्लेश ना हो, आपकी भक्ति आपका प्रेम आपका आशीर्वाद हमारे घर पर रहे। इस तरह से ये नीम का वृक्ष दिख रहा है, इतना आनंदित है इसको देख के कि ये नीम हुई हुआ नीम मीठा जो तेरी नज़र इस परमात्मा की नज़र उस नीम पर हुई। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति भी इससे बनती है, अद्भुत नीम की महिमा है। नीम को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं, कोई सच्चा संत होगा कोई सच्चा भगवान का भक्त होगा वही इसको पहचान सकता है। इसलिए बाबा ने नीम के वृक्ष को गुरु स्थान का नाम दिया कि ये मेरे गुरु का स्थान है। उस गुरु स्थान जैसे नीम के वृक्ष पाज घर 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 उसकी पूजा होती है, ऐसे नीम वृक्ष को प्रणाम करते हैं। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हैं। ओम साईं।